नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे चैनल रविंद्र सर लेक्चर पोल साइंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे के सारे बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं, ये NSQF के उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने NSQF के तहत कोई वोकेशनल कोर्स लिया हुआ है। और ये जो टूल किट्स हैं, वास्तव में ये ऑटोमोबाइल के बच्चों के लिए हैं जो वर्तमान समय में 2022-23 के शैक्षणिक वर्ष में 9th क्लास में और 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने वोकेशनल कोर्स के रूप में कोई ना कोई वोकेशनल विषय लिया हुआ है। तो यहाँ पर इन ज़्यादातर बच्चों ने ऑटोमोबाइल एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, और ऑटोमोबाइल का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए ही बच्चों को ये किट्स वितरित की जाएंगी। अब इन किट्स में है क्या क्या और बच्चों के लिए वो कितना मददगार साबित हो सकता है कि उससे कहाँ तक वो अपना व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो तो इन किट्स को खोल के ही पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इट्स इन जो बक्से हैं क्या क्या हैं। अगर आप इस पर देखें ध्यान से तो लिखा हुआ है वोकेशनल एजुकेशन NSQF हरियाणा स्टूडेंट हैंड होल्डिंग किट फॉर ऑटोमोबाइल। तो इसके अब खोल के देखेंगे क्या क्या सामान इसमें बच्चों के लिए है और वो कितना उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो जी खोलते हैं डिब्बा और एक बार इसका बाहर से देख लेते हैं बाहर से क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है हैंडबैग। जितना सामान इस बॉक्स में दिया गया है वोकेशनल एजुकेशन NSQF हरियाणा इस पे लिखा हुआ है, तो वो सारे के सारे सामान को जो भी है जो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं वो इसमें डाल सकता है और कहीं भी ले जा सकता है उसको। ये है हैमर। हाँ जी, ऐसे बताए हैमर। हाँ, ये हमारे पास टी गोटी है अलग अलग इसकी। इसके अलावा हमारे पास ये है मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। ये हमारे पास सॉकेट है, डिजिटल मल्टीमीटर है जिसका काम है आप इसमें करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों की आप रीडिंग नोट कर सकते हो। इसके अलावा आपको भी ये पता ही है, ये है आपके पास सॉकेट, इसमें आप प्लग लगा के अपना कोई भी काम कर सकते हैं। ये इसमें आपके पास ये टेप दे रखी है, इसके अंदर टॉर्च है बच्चों के लिए। ये हमारे पास रिंग स्पेनर का पूरा सेट है, ये बच्चों के लिए रिंग स्पेनर का पूरा सेट है जिसमें हर तरह की चाबी है, छोटी से लेकर बड़ी तक की सब चाबियां हैं। और ये हमारे पास है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, इसमें एलिगेटर क्लिप दिए होते हैं जो ये हमारे पास वायर्स हैं। हमने कोई भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी में गाड़ी में कंटिन्यूटी चेक करनी हो कि उसमें वायर में कोई फॉल्ट ना हो, तो ये हमारे पास बैटरी का है। ये होते हैं हमारे पास एलिगेटर क्लिप्स जो बैटरी के साथ लगते हैं, और इसके बाद ये दूसरे क्लिप होते हैं जहां हमने कंटिन्यू दूसरे एंड लगाना होता है। इसके दो एंड दिए होते हैं, ये एक रेड वाला है पॉजिटिव और ब्लैक वाला है नेगेटिव। रख दो सर, रुक जो ए मैं जब कहूँगा। चलो, ये इस बार बच्चों के लिए पंचर किट की है जो हमारे पास जो ट्यूबलेस टायर होते हैं उसमें पंचर लगाने के लिए बच्चों के लिए। ये आपके पास इसके अलग अलग हम आपके दे रखी है, और इसके अलावा आपके पास ये ट्यूब दे रखी है, और ये हमारे पास पंचर लगाने के लिए सुए से है। ये हमारे पास है एलंकी सेट होगा इसके अंदर। ये हमारे पास ड्रिल मशीन दे रखी है बच्चों के लिए। ये पूरी ड्रिल मशीन का पूरा इसकी ये लॉक है। ये ऑयल फिल्टर को खोलने के लिए रेंच दे रखे हैं हमारे पास, पाइप रेंच है। ये आपके पास पेचकस दे रखा है और अलग अलग तरह की इसकी कोई भी आपने अगर माइनस का लगाना हो तो माइनस का, और प्लस का लगाना हो तो प्लस का लगा सकते हो आप। ये पेचकस है आपका, ओपन स्पैनर, इसमें हर तरह का अमाप है छोटे से लेके बड़े तक की ओपन स्पैनर है आपके पास।
ये हमारे पास नोज प्लायर है, ये हमारे पास दो दे रखे हैं, ये हमारे पास कटर प्लायर है किसी भी वायर को काटने के लिए, लोहे की वायर को काटने के लिए एक कटर प्लायर दे रखा है हमारे पास। ये हमारे पास सिंपल कटर दे रखे हैं, कोई भी सिंपल आपने काटना हो, किसी चीज़ को छीलना हो तो आप इस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर है जो ज़्यादातर हमारे आमतौर पर घरों पर मिलता है सभी के पास। हमारे पास टेस्टर हैं, तीन टेस्टर दे रखे हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी देखनी है कि बोर्ड में करंट आ रहा है कि नहीं, तो ये हम टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सिंपल सा पेचकस स्क्रू ड्राइवर दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, आपने स्पार्क प्लग को खोलना हो तो ये आपके पास एक एक्सटेंशन रोड दे रखी है और इसकी ये गोटी दे रखी है तो आपने स्पार्क प्लग खोलने के लिए, ये छोटा स्पार्क प्लग के लिए और ये बड़े स्पार्क प्लग के लिए, ये ऐसे लग फिक्स हो जाता है ये, और ये बड़े वाला भी ऐसे फिक्स हो जाता है। ये हमारे पास तीन बैटरियाँ दे रखी हैं और ये तीन सेल दे रखे हैं। अब बैटरी का इस्तेमाल कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई प्रोजेक्ट बनाता है बच्चा, तब इन बैटरियों का इस्तेमाल हो जाता है। हमारे साथ हैं आज ऑटोमोबाइल के टीचर श्री अजय कुमार जी, तो उन्हीं से पूछते हैं हम कि जो ये किट्स हम बच्चों में वितरित करने जा रहे हैं कि उनके लिए कहाँ तक उपयोगी होगी। तो अजय जी, पहले तो हमें ये बताइए कि इस किट्स में किट जो दे रहे हैं आप, इसमें कितनी राशि तक का सामान बच्चों को दिया जा रहा है? ये मेरे आइडिया से 15,000 से 20,000 तक की राशि तक का सामान होगा इसमें बच्चों के लिए। अच्छा, एक और सवाल ये है कि ये जो सामान दिया जा रहा है बच्चों को, तो ये उनके लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ताकि क्या वो अपना इससे किट से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ही है ये? व्यवसाय के लिए तो ये कंप्लीट नहीं है सामान, बस ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगी और बच्चों को प्रैक्टिकली टूल्स के बारे में, हर एक टूल्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा टूल्स कहाँ इस्तेमाल होता है। और अपने घरों में अगर वो जनरली अपने गाड़ी के बारे में, थोड़ी सी अपनी बाइक्स पड़ी हो तो उसमें थोड़ा सा वर्क करना हो तो अपना सामान पड़ा होगा तो वो इजी वर्क कर सकते हैं उसमें। अच्छा, इसमें एक किट में हमने ये भी देखा कि वो जो ट्यूबलेस टायर होते हैं उनका भी सामान दिया गया है जी। तो क्या बच्चे मतलब अपने आप लगा सकते हैं पंचर उसमें? ये सर बहुत ईजी है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पंचर कहाँ है। उसके बाद एक इनके पास एक टायर को रगड़ने के लिए तार वाला ब्रश चाहिए, एक सामान की मिसिंग है इसमें, क्योंकि वहां पर जहां पर पंचर होता है उसको तार से रगड़ा जाता है। उसके बाद उसमें आप पंचर आप इजी से, क्योंकि उसमें ट्यूबलेस टायर होते हैं, उसमें टायर में ही पंचर लगना होता है। ट्यूब टायर में तो ट्यूब निकालनी पड़ती है, ये इजी होती है, बिना टायर निकाले आप इजीली आप, आपको इसमें एक दे रखा है, उसके उपकरण दे रखे हैं जिसके इजी से आप पंचर लगा सकते हैं। अच्छा, पिछले साल जो किट बांटी गई थी और इस साल जो किट बांटी गई थी, पिछले साल वाली बेहतर थी या इस साल वाली बेहतर है? पिछले साल वाली काफी अच्छी थी, उसमें ज्यादा सामान था, ज्यादा सामान था, इस बार थोड़ा कम है। अच्छा अच्छा, एक और पूछना चाहता हूँ बच्चों को कि जो अगले 9th में आ रहे हैं तो उनको वोकेशनल कोर्सेज के बारे में आप कहाँ तक राय दोगे कि भाई वो उनके लिए वोकेशनल कोर्स अच्छे हैं या फिर वो ट्रेडिशनल ही लें, संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दें? देखो, मेरे तरफ से वोकेशनल कोर्स इसलिए चलाए गए हैं क्योंकि जो गरीब बच्चे आ रहे हैं, अब कई बार होता है कि कुछ बच्चों को आगे समझ नहीं आता हमने करना क्या है, यहाँ से एक लाइन पकड़ लेते हैं। अब जैसे ऑटोमोबाइल ट्रेड है, ये आपकी इंजीनियरिंग लाइन शुरू हो जाती है, आप जैसे ही प्लस टू करते हो उसके बाद आप सीधा डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमे में आपको जो काम यहाँ पर रिटर्न विंडो जितना भी प्रैक्टिकल वर्क देखा है वही चीज आप डिप्लोमे में देखोगे बस। अच्छा, इस कोर्सेज के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि कितने, 4 साल का है या 2 साल का है? हाँ जी, ये आपका जैसे 9th और +1 के लिए है, 9th और 9th to 10th, ये है असिस्टेंट, और जो सा आपके +1 और +2 के लिए आता है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन आ जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है सर? बस असिस्टेंट क्या है, एक ये ट्रेड दे दिया आपको, कोर्स का एक नाम दे दिया है कि आप 9th to 10th करोगे तो आपको असिस्टेंट का, ऑटोमोबाइल असिस्टेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा आप लेवल 4 तक जाओगे तो आप ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन बन जाओगे, इससे आपकी मतलब एक तरह से ग्रेड अपग्रेड हो गया। अच्छा, एक आप कह रहे हैं कि इसको करने के बाद बच्चा आईटी में जा सकता है या फिर वो पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन ले सकता है? आईटी भी कर सकता है, पॉलिटेक्निक में भी ले सकता है। नहीं, जैसे आप पॉलिटेक्निक ही बात कर रहे हैं तो क्या पॉलिटेक्निक में भी ऑटोमोबाइल से अलग से है कोर्स? जी सर, आप अंबाला कैंट में गवर्नमेंट देखोगे वहां पर ऑटोमोबाइल की स्पेसिफिक ट्रेड है, मैंने भी डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में कर रखा है, वो गणपति में था, आजकल वहां ट्रेड बंद कर दी है। और स्कोप कितना है सर इसका, जैसे मान लीजिए करें? आप देखोगे जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है विकसित हो रही है आने वाले टाइम में, तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और बच्चे जब गवर्नमेंट से करेगा, जहां आपने गवर्नमेंट से उसने स्कूल किया, गवर्नमेंट से अगर वो डिप्लोमा कर लेता है तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। गवर्नमेंट बच्चे को बहुत जल्दी
जो आते कंपनियां लेती हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं उनका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चल तो आज हमारे सामने हैं 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, और इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह है ऑटोमोबाइल वाला कोर्स लिया है। अब इन बच्चों के क्या सपने हैं वो इन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम? माय नेम इज क्रिस्टियन, आई एम रीडिंग 9th क्लास। अच्छा, एक ये बताओ कि क्या बनना चाहता है बड़ा होकर? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो ऑटोमोबाइल का जो कोर्स लिया है इसी सोच को ध्यान में रखते हुए लिया है? यस सर। अच्छा, तो क्या सीखा है इसमें 9वीं क्लास में? आपने एक साल हो गए ऑटोमोबाइल में, क्या क्या चीजें सीख चुके हैं? इंजन की वर्किंग सीखी है, और गियर बॉक्स का क्या काम होता है, गाड़ियों के बारे में जाना, और बहुत ही एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट भी किया। विजिट करने भी गए कहीं पर? हाँ, किसी फैक्ट्री में? यस सर। कौन सी फैक्ट्री में गए थे? अभी कुरुक्षेत्र भी गए थे, वहाँ पर हमने साइंस। अच्छा, कोई कोई बनाया भी, मॉडल भी बनाया कोई? यस सर, हमने बहुत मॉडल बनाए, उससे हम प्रैक्टिकल के थ्रू कुछ सीख पाए हैं। अच्छा, और आज जो किट मिल रही है उसमें आपने देखे हैं क्या क्या चीजें हैं? यस सर, उसमें बहुत चीजें हैं, उससे हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और घर पर अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, जिससे हम... ये देखो कितनी सरकार की तरफ से आप लोगों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद मिल रही है। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। हमें भी टीचर बहुत एनकरेज करते थे, वो कभी चाहे वो इनाम देना हो, कोई कॉपी पेन देना हो, हमें बहुत फक्र होता था अभी, क्योंकि इनाम तो इनाम होता है। जो देखो स्कूल की तरफ से हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है और वो पढ़ने में सहायक है, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। कोई भी हमारा सामान है जो हम काम करने में प्रयोग करते हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो हमारा ये कोई यंत्र है, ठीक है, छोटा से छोटा, उसकी एक महत्ता होती है। आपने देखा होगा विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता। मैं तो अपने